रेडी। तो फाइनली दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट हो गए 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते, और फिल्म ने शुरुआती 3 हफ्तों में इंडिया ओवरसीज वर्ल्ड वाइड सभी तरफ से लाजवाब कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं इस हफ्ते की रिलीज होने वाली फिल्में शहजादा और एंटमैन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इंडियन सिनेमा के 3 बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और थालापति विजय के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि पठान फिल्म आपको कैसी लगी। सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने जा रही फिल्म एंटमैन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म एंटमैन 3, जिस फिल्म को इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश टोटल 6 भाषाओं में 17 फरवरी को रिलीज किया जाना है। फिल्म की एडवांस बुकिंग आज से 3 दिन पहले शुरू हुई थी और एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फिल्म को जो रिस्पांस मिला है वो काफी शानदार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एंटमैन ने अभी तक ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग 3,55,00,000 रुपए की है, सभी फॉर्मेट और सभी लैंग्वेजेस में, जो कि एक तरह से काफी अच्छी बुकिंग है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि एंटमैन को बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग है पहले दिन ऑल इंडिया मिनिमम 15 से 20 करोड़ की मिल सकती है। वही दोस्तों बात करें कार्तिक आर्यन के अपकमिंग फिल्म शहजादा के बारे में, जो कि अल्लू अर्जुन की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म आला वेकुंटा पुरमोला का ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म को प्रोड्यूस खुद अल्लू अर्जुन के पिताजी अल्लू अरविंद ने किया है और इस फिल्म के डायरेक्टर है रोहित धवन। तो दोस्तों यहां पर शहजादा फिल्म का जो ग्राउंड लेवल पर बज है वो कोई खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस फिल्म के भी एडवांस बुकिंग को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन शहजादा फिल्म को अभी तक एडवांस बुकिंग में जो कलेक्शन मिला है वो पूरी तरह से निराश करने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर शहजादा फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है अभी तक ऑल इंडिया से सिर्फ 65,00,000 रुपए की हुई है। जी हां दोस्तों, शहजादा की एडवांस बुकिंग सिर्फ 65,00,000 रुपए की गई है, जिसे देखकर लग रहा है कि शहजादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग मुश्किल से 5-7 करोड़ की ले पाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कि फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो रिलीज के पहले और कहां तक जाती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट की ओपनिंग ले पाने में कामयाब होती है या नहीं। वही दोस्तों बात करें 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के कलेक्शन के बारे में, तो भैया पठान फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रखा है। मतलब कि बॉलीवुड की फिल्में 1-2 हफ्ते में जहां पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन पठान का 3रा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन काफी बेहतर आ रहे हैं। हालांकि बात करें पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान, जिसका बजट था 250 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में रिलीज किया था। दोस्तों पठान फिल्म ने कल तक यानी कि 20 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 494 करोड़ का किया था। बात करें पठान के आज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जिस तरह पठान फिल्म को अपने 21वें दिन मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है, उस हिसाब से पठान फिल्म आज यानी कि अपने 21वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 4 करोड़ का कर रही है। और इसी के साथ पठान फिल्म का शुरुआती 21 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 498 करोड़ का हो रहा है। वही बात करें ग्रॉस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 601 करोड़ रुपए का हो चुका है। वही दोस्तों पठान फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 371 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों पठान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन है वो 21 दिनों में लगभग 972 करोड़ का हो रहा है। तो दोस्तों पठान फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जहां 972 करोड़ रुपए हो रहा है 21 दिनों में, इसी के साथ पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ शाहरुख खान के फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है, वही दूसरी तरफ शाहरुख खान के जो अपकमिंग फिल्म है जवान, उसको लेकर भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप खुद बोलोगे कि पठान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इसके रिकॉर्ड तो अब जवान फिल्म आराम से तोड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अटली कुमार के डायरेक्शन में बन रही जवान फिल्म, जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा और विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि यहां पर पठान एक पैन इंडिया
फिल्म है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर खुद एक तमिल के जाने माने डायरेक्टर है, वही फिल्म के आधे स्टार कास्ट भी साउथ इंडिया की है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब वो जवान फिल्म में कुछ ऐसे सुपर स्टार्स की एंट्री हो चुकी है जिसके बाद तो ये फिल्म ऑल इंडिया में धमाका करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि लगभग एक साल से ये रूमर्स चल रहे थे कि पठान फिल्म में शाहरुख खान के साथ हमें थलापति विजय सर का केमियो भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में कई बार ये खबर आई कि थलापति विजय का केमियो होगा, फिर खबर आई कि नहीं होगा, लेकिन अभी फिर से यही रूमर सामने आया है कि जवान फिल्म में विजय सेतुपति के अलावा तमिल सिनेमा के एक और सुपरस्टार थलापति विजय सर का भी केमियो होगा। लेकिन दोस्तों थलापति विजय सर के केमियो के अलावा यहां पर एक और बड़े सुपरस्टार हमें जवान में नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, कल से मीडिया में एक खबर आग की तरह फैल रही है कि यहां पर जवान फिल्म के जो डायरेक्टर है अटली कुमार, उन्होंने पेन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को एक स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया है। जी हां दोस्तों, यहां पर देखने को मिल सकता है कि जवान फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ अल्लू अर्जुन भी नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी अल्लू अर्जुन की तरफ से जवान फिल्म में जो केमियो रोल का ऑफर है वो अभी तक ना तो अपनाया गया है ना तो ठुकराया गया है, पर उम्मीद करते हैं कि अगर इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का भी केमियो होगा और थलापति विजय सर का भी केमियो होगा तो फिर जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका 100% करेगी। क्योंकि दोस्तों हिंदी मार्केट में तो यह फिल्म सिर्फ शाहरुख खान के नाम से चल जाएगी, वही तमिल मार्केट में थलापति विजय सर के होने की वजह से फिल्म को कलेक्शन दमदार मिलेंगे। वही दूसरी तरफ अगर अल्लू अर्जुन भी आते हैं तो यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में भी एक बड़ा धमाका कर देगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जवान फिल्म में हमें पहली बार हिंदुस्तान के तीन बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, थलापति विजय और सुपरस्टार शाहरुख खान एक साथ देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर अल्लू अर्जुन, विजय और शाहरुख खान तीनों एक साथ जवान में आए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।